बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है ना, दैट इज नेटवर्क ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक्स। या इसका ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हाउ ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज परफॉर्म्ड, ठीक है। या इस टॉपिक का एक और नाम दिया जा सकता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट, कि ट्रैफिक की मैनेजमेंट कैसे करनी है, यानी ट्रैफिक को कैसे इम्प्रूव करना है, ये इस टॉपिक में हमने पढ़ना है, ठीक है। अभी हल्का सा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक SLA डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि नेटवर्क का ट्रैफिक किस तरह मूव करेगा, ठीक है। जो ट्रैफिक तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, यानी SLA के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करता है, उसे कहते हैं कन्फर्मिंग ट्रैफिक, और जो फॉलो नहीं करता उसे कहते हैं नॉन कन्फर्मिंग। तो इस टॉपिक में हमने यही पढ़ना है कि नॉन कन्फर्मिंग ट्रैफिक जो है उसको कैसे कन्फर्मिंग में कन्वर्ट करना है हमने, ठीक है। सो कुछ स्टेप्स हैं, तो ये हमने अब इस टॉपिक में पढ़ने हैं। तो पेज नंबर 50 से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब स्टार्टिंग में ना उसने दो डेफिनेशंस एक्सप्लेन की हुई हैं, एक है एडमिशन कंट्रोल, एक डेफिनेशन है ट्रैफिक कंडीशनिंग। एडमिशन कंट्रोल का मतलब क्या होता है? लाइक सपोज कि एक सर्वर है, ठीक है, और 10 क्लाइंट्स हैं उसके साथ। सर्वर के पास प्रिंटर भी है, स्कैनर भी है, ठीक है। क्लाइंट्स प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट दे रहे हैं, तो कौन से क्लाइंट को रिक्वेस्ट, किस कौन से क्लाइंट की रिक्वेस्ट सबसे पहले एक्सेप्ट करनी है, कौन से क्लाइंट को कहना है कि तू वेट कर अभी, या कौन से क्लाइंट को कहना है कि यू डोंट हैव द परमिशन टू टेक प्रिंटिंग, यानी किसको डिनाई करना है। सो दैट इज़ कॉल्ड एडमिशन कंट्रोल, कि एक रिसोर्स है, ठीक है, कौन उस रिसोर्स को यूज़ कर पाएगा, कौन सा प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज़ कर पाएगा, या कौन सा ट्रैफिक उस रिसोर्स को यूज़ कर पाएगा, किसको कहना है कि वेट करे, किसको कहना है कि डिनाई करना है कि वो यूज़ कर ही नहीं पाएगा। सो दैट इज़ एडमिशन कंट्रोल, ठीक है, टू कंट्रोल द यूसेज ऑफ रिसोर्स ऑफ द नेटवर्क बाय द ट्रैफिक ऑफ दैट नेटवर्क, दैट इज़ एडमिशन कंट्रोल, ठीक है। और ट्रैफिक कंडीशनिंग क्या होती है, ये भी एक डेफिनेशन दी हुई है। ट्रैफिक कंडीशनिंग का मतलब है ट्रैफिक को की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। कंडीशनिंग का मतलब यही होता है ना, किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छा बनाना। सो ट्रैफिक कंडीशनिंग का मतलब होता है ट्रैफिक की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। कैसे? अभी मैंने फिर से आपको बताया था, नॉन कन्फर्मिंग ट्रैफिक को कन्फर्मिंग में कन्वर्ट करना, ये इसका मतलब है ट्रैफिक कंडीशनिंग, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशंस दी हुई हैं पहले पैराग्राफ में। उसके बाद ना आपके शायद फ़ोटोज़ में भी ये लाइन आई होगी, पेंसिल से लिखी हुई है, स्टेप्स ऑफ ट्रैफिक कंडीशनिंग, कि ट्रैफिक कंडीशनिंग के अब हमने स्टेप्स पढ़ने हैं। ट्रैफिक कंडीशनिंग हमने कह तो दिया, ट्रैफिक कंडीशनिंग होता है कि नेटवर्क की ट्रैफिक की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। अब कैसे इम्प्रूव करना है उसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो स्टेप्स हमने पढ़ने हैं। पहला स्टेप है क्लासिफिकेशन, सो इसको आपने पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ ट्रैफिक कंडीशनिंग, या स्टेप्स फॉर ट्रैफिक कंडीशनिंग, या ट्रैफिक मैनेजमेंट, या स्टेप्स फॉर ट्रैफिक इंजीनियरिंग, कुछ भी आप लिख सकते हो। सो पहला स्टेप क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसके लिए ना मुझे आपको एक चीज़ नहीं बतानी पड़ेगी। एक मैंने आपको जो लास्ट पिक भेजी है ना ग्रुप में, उसमें आप देखो पेज नंबर 52 जहाँ पे लिखा है कि जो ट्रैफिक होता है ना, नेटवर्क का ट्रैफिक होता है, उसको ना हम 8 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नेटवर्क के ट्रैफिक को हम 8 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 0 टिल क्लास 7, ठीक है। अब हर क्लास में फिक्स होता है कि इसमें ये वाला ट्रैफिक आएगा, इस क्लास में ये वाली कैटेगरी का ट्रैफिक आएगा। लाइक क्लास 0 में, क्लास 0 में कौन सा ट्रैफिक आता है? जब कोई यूज़र प्रिंटिंग की कमांड देता है, या कोई यूज़र की फाइल सेंड होनी है, या कोई ईमेल सेंड हो रही है, यानी क्लास 0 में वो सारा ट्रैफिक आएगा जिसमें टाइम डिले हो सकता है, ठीक है, जो थोड़ा टाइम ले भी सकता है ट्रैफिक पहुंचने में डेस्टिनेशन तक, वो क्लास 0 में आएगा। यानी क्लास 0 ट्रैफिक की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। लाइक ईमेल है, आपको पता है ना, आप किसी को ईमेल सेंड करते हो, वो जस्ट रियल टाइम पे उसी टाइम पर कभी नहीं पहुंचती, इट टेक्स फ्यू सेकंड्स टू रीच टू द डेस्टिनेशन। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, वो क्लास 0 का ट्रैफिक है, उसको टाइम लग सकता है रीच होने में, ठीक है, उसको रिसोर्सेज एंड में मिलते हैं। ईमेल हो गई, कोई फाइल प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट हो गई, या फाइल सेंडिंग की रिक्वेस्ट हो गई, उसको रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज मतलब जो केबल्स हैं, या मीडिया, या गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, उसको एंड में मिलता है, जब फ्री हो जाए बिल्कुल मीडिया, तब ये वाले क्लास 0 वाला ट्रैफिक को अलाउ किया जाता है कि डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, अदरवाइज वो वेट कर रहा होता है नेटवर्क में। और जो क्लास 7 है, इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। इसमें कौन सा ट्रैफिक आ जाता है? इसमें आता है नेटवर्क मैनेजमेंट ट्रैफिक,
ठीक है। यानी कि अगर एक केबल में एक क्लास जीरो का ट्रैफिक है जा रहा है और एक क्लास सेवन का ट्रैफिक जा रहा है, तो क्लास सेवन के ट्रैफिक को पहले मौका दिया जाएगा डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। एंड में क्लास जीरो ट्रैफिक की टर्न आएगी, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है और क्लास सेवन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और कौन सा ट्रैफिक आता है क्लास सेवन में? नेटवर्क मैनेजमेंट ट्रैफिक, ठीक है। अब ये भी क्या होता है नेटवर्क मैनेजमेंट ट्रैफिक, ये अब थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन आप इसको समझो कि नेटवर्क मैनेजमेंट ट्रैफिक क्या होता है। अब बेटा देखो, हमने सपोज आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है, आपने किसी इंस्टीट्यूशन में जाके नेटवर्किंग कर दी, प्रॉपरली नेटवर्क चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन नेटवर्क में कोई इशू आ गया है, पैकेट्स रिसीव नहीं हो रहे, रास्ते में लॉस हो रहे हैं, या डिले बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नेटवर्क में एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कैसे चेक करेगा कि नेटवर्क में कहाँ पर प्रॉब्लम आई है, ठीक है। इसका सोल्यूशन होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो क्या करता है, अपने सिस्टम से ना कुछ पैकेट्स सारे नेटवर्क में सेंड करता है, ठीक है। उसे कहते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट ट्रैफिक, उस ट्रैफिक को नेटवर्क मैनेजमेंट ट्रैफिक कहते हैं। उसने अपने सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेटर ने सारे नेटवर्क में पैकेट सेंड किए, जो पैकेट्स पूरा घूम घुमा के वापस एडमिनिस्ट्रेटर की मशीन पे पहुंच जाते हैं, इसका मतलब उस पैकेट ने जौन सा रूट फॉलो किया है ना, वो रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पैकेट आ रहा है वापस। लेकिन जौन से रूट का पैकेट वापस नहीं आया, इसका मतलब उस रूट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। वहाँ पे कोई फेलियर है, या कंजेशन हुई है, या वहाँ पे कोलिजन्स हो रही हैं, या डिले हो रहा है, या थ्रूपुट कम है, कोई ना कोई रीज़न है वहाँ पर जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क में जो फेलियर्स है ना, उसको चेक करता है, ठीक है। एक और भी तरीका होता है फेलियर चेक करने का, वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगी, मैं नाम बता देती हूँ। उस मेथड को कहते हैं ट्रैफिक मैट्रिक्स, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो अब हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं ट्रैफिक कंडीशनिंग का पहला स्टेप, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। मैंने आपको समझाया कि नेटवर्क का जो ट्रैफिक होता है ना, उसको 8 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, क्लास 0 से लेके क्लास 7 तक, ठीक है। सो दैट इज़ क्लासिफिकेशन, कि कौन सा ट्रैफिक कौन सी क्लास में लाई कर रहा है, बस इतना ही आपने क्लासिफिकेशन में लिखना है। अब बुक में जो क्लासिफिकेशन का पैराग्राफ है ना, वो थोड़ा सा मुझे मतलब इतना उसकी वर्डिंग अच्छी नहीं लगी, तो आप क्या करो, आप क्लासिफिकेशन के पैराग्राफ में जो ये टॉपिक है ना, क्लासिफाइंग ट्रैफिक, जो लास्ट 2 पेजेस मैंने सेंड किए हैं, इसको लिख दो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। सो एक बार हमने ट्रैफिक को क्लासिफाई कर दिया ना, कि कौन सा ट्रैफिक कौन सी क्लास में लाइक करता है, सेकेंड स्टेप आता है मीटरिंग। मीटरिंग क्या होती है? मीटरिंग होती है नेटवर्क की परफॉर्मेंस, सॉरी ट्रैफिक की परफॉर्मेंस को चेक करना। मीटरिंग का मतलब होता है कि कौन सा ट्रैफिक SLA को मैच कर रहा है। SLA क्या होता था? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। कौन सा ट्रैफिक SLA को मैच कर रहा है और कौन सा ट्रैफिक SLA को मैच नहीं कर रहा, उसका मतलब होता है मीटरिंग करनी ट्रैफिक की। एक डायग्राम भी बनी हुई है, ध्यान से देखो। यूज़र डिवाइस में से ट्रैफिक आ रहा है, रास्ते में देखो मीटर लगा हुआ है, मीटर क्या कर रहा है, SLA डेटाबेस के साथ ट्रैफिक को मैच कर रहा है। और अगर तो ट्रैफिक मैच हो गया तो क्या लिखा हुआ है आगे, ट्रैफिक इज़ डिटर्मिन्ड टू बी कन्फर्मिंग, कि ये मैच हो गया, SLA की बाउंड्रीज में ही है, ठीक है, SLA के रूल्स को फॉलो कर रहा है। और जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, उसको क्या कहेंगे, नॉन कन्फर्मिंग। यानी अब ट्रैफिक की फर्दर 2 क्लासिफिकेशन हो गई, कौन सा ट्रैफिक कन्फर्मिंग है और कौन सा नॉन कन्फर्मिंग है, इसके थ्रू, कौन से स्टेप के थ्रू, मीटरिंग के थ्रू। सो मीटरिंग के बाद थर्ड स्टेप आ जाता है कन्फर्मिंग ट्रैफिक एंड नॉन कन्फर्मिंग ट्रैफिक, ये थर्ड स्टेप है। तो जो तो कन्फर्मिंग ट्रैफिक है, उसको उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, वो ठीक ट्रैफिक है, वो एज सच डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। लेकिन जो नॉन कन्फर्मिंग ट्रैफिक है, उस पर कुछ एक्शंस लिए जाते हैं, क्योंकि अब सपोज करो कि लाइक रोड पर ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है, सारे बड़े आराम से जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, चाहे वो कार है, चाहे वो स्कूटर है, या कोई भी व्हीकल है, वो बहुत आराम से मूव कर रहे हैं, यानी वो कन्फर्मिंग ट्रैफिक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रैफिक पुलिस मैन कोई एक्शन नहीं लेंगे उन पे। लेकिन एक कार आ रही है बहुत ज़्यादा स्पीड से, तो उसको रोकना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्यों, क्योंकि वो आगे जाके ट्रबल क्रिएट कर सकती है, एक्सीडेंट करवा सकती है, उसको स्टार्टिंग पे ही रोकना पड़ेगा और उसकी स्पीड को कम करवाना पड़ेगा। तो यही चीज़ नेटवर्क में होती है। जो तो ट्रैफिक कन्फर्मिंग है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जो नॉन कन्फर्मिंग है, उसको स्टार्टिंग पे ही उस पर कुछ एक्शंस लिए जाते हैं कि वो कन्फर्मिंग बन जाए और आगे जाके ट्रैफिक को तंग ना करे, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप आ गया, ये जो लाइनें हैं ना कन्फर्मिंग नॉन कन्फर्मिंग की, ये थर्ड स्टेप में आ गई। फोर्थ स्टेप में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शेपिंग।
अभी मैंने आपको बोला ना कि जो ट्रैफिक नॉन कन्फर्मिंग है उस पर कुछ एक्शन लिया जाता है ताकि वो कन्फर्मिंग हो जाए, तो उस एक्शन का नाम क्या है? उस एक्शन का नाम है शेपिंग। अब शेपिंग क्या होती है? शेपिंग हम तब यूज़ करते हैं अगर जब हमने नॉन कन्फर्मिंग ट्रैफिक को कन्फर्मिंग करना है, सो हम शेपिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। शेपिंग की टेक्निक से क्या होता है, कुछ तो नॉन कन्फर्मिंग ट्रैफिक कन्फर्मिंग में बदल जाएगा, लेकिन कुछ नॉन कन्फर्मिंग ट्रैफिक स्टिल नॉन कन्फर्मिंग ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, तो उसको फाइनली हम डिस्कार्ड कर देते हैं या ड्रॉप कर देते हैं। आप सोचो कि रोड पे ट्रैफिक बहुत अच्छे से जा रहा है, राइट, लेकिन कोई एक व्हीकल जो है सारे ट्रैफिक को ख़राब कर रहा है, वो व्हीकल बहुत स्पीड से जा रहा है या बहुत रैश ड्राइविंग करके जा रहा है, तो दो ऑप्शंस हैं, या तो उसको आप रूल्स बताओ कि ये रूल्स हैं, इसके अकॉर्डिंगली मूव करना है। अगर तो वो रूल्स को फॉलो करता है, यानी नॉन कन्फर्मिंग से वो कन्फर्मिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करता, इसका मतलब वो स्टिल नॉन कन्फर्मिंग ही है, तो क्या करना चाहिए? क्या हमें उसको अलाउ कर देना चाहिए? नो, हम क्या करेंगे, हम उसको वहीं पे रोक लेंगे कि आगे नहीं जाना। सो दैट इज़ ड्रॉपिंग, उसको ड्रॉपिंग कहते हैं। उस ट्रैफिक को हम फिर आगे मूव नहीं करने देंगे, क्योंकि वो आगे जाके जो कन्फर्मिंग ट्रैफिक है उसको भी ख़राब करेगा, ठीक है। सो जो फोर्थ पॉइंट है वो अकेला शेपिंग का नहीं बनेगा, वो शेपिंग एंड ड्रॉपिंग का बनेगा। सो दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट। अब शेपिंग होती क्या है, बुक में से नहीं करनी, इसका मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ, मैंने आपको अपने हैंड रिटन नोट्स भेजे हैं, ठीक है। सो शेपिंग होती क्या है, मैंने आपको बोला ना कि कौन सा ट्रैफिक ख़राब करता है, अगर हम रोड की बात करें तो कौन सा ट्रैफिक ख़राब करता है, वो जो रैश ड्राइविंग कर रहा है या जो बहुत स्पीड से जा रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या है कि उसकी स्पीड को कम कर दो। सो दैट इज़ वॉट शेपिंग इज़। शेपिंग क्या होता है कि जो ट्रैफिक SLA को फॉलो नहीं कर रहा, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा, उसकी उसके अंदर हम कुछ ऐसी चेंजेस करते हैं कि वो SLA की बाउंड्रीज में आ जाए, वो SLA को फॉलो करना शुरू हो जाए, दैट इज़ शेपिंग। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो मैं यही लाइन्स रीड कर रही हूँ जो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आपको भेजे हैं मैंने। सो शेपिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिलेइंग नेटवर्क ट्रैफिक इन ऑर्डर टू चेंज इट्स परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स। मैंने बोला ना, रोड पर कोई बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा है तो क्या करो, उसकी स्पीड स्लो करवा दो, यानी हमने उसमें डिले ऐड कर दिया। सो दैट इज़ शेपिंग। टू शेप नॉन कन्फर्मिंग ट्रैफिक वी ट्रांसमिट द ट्रैफिक एट स्पेशल क्यू नोन एज शेपर क्यू। तो शेपिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि शेपिंग तो नॉन कन्फर्मिंग ट्रैफिक पे ही होनी है, कन्फर्मिंग ट्रैफिक पर तो हम कोई एक्शन लेते ही नहीं। सो नॉन कन्फर्मिंग ट्रैफिक को सबसे पहले हम शेपर क्यू में डालते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ द प्रोसेस ऑफ शेपिंग इज डन। लेट अस कंसिडर अ ट्रैफिक हुज थ्रूपुट इज 20 PPS। समझो कि सपोज करो एक ट्रैफिक है, ठीक है, जिसकी थ्रूपुट कितनी है, 200 पैकेट्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में एक मीडिया के एक पॉइंट के थ्रू 200 पैकेट्स निकल रहे हैं, इतनी थ्रूपुट या स्पीड है एक नेटवर्क के ट्रैफिक की। बट अकॉर्डिंग टू SLA द मैक्सिमम थ्रूपुट शुड बी 150 PPS। लेकिन SLA कहता है कि ट्रैफिक की मैक्सिमम थ्रूपुट 150 PPS होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो देखने से पहली बात तो पता लग रहा है कि ये जो हमें ट्रैफिक गिवन है 200 PPS वाला, ये SLA को मैच नहीं कर रहा, क्योंकि SLA के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम थ्रूपुट कितनी होनी चाहिए, 150, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा होगी तो वो ट्रैफिक आगे जाके कोलिजन्स करेगा, कंजेशन क्रिएट करेगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सो इसका मतलब जो ट्रैफिक हमें गिवन है दैट इज़ नॉन कन्फर्मिंग, हैंस द गिवन ट्रैफिक इज़ नॉन कन्फर्मिंग। अब हमने क्या करना है, अब हमने शेपिंग अप्लाई करके इसको कन्फर्मिंग करने की कोशिश करनी है। मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं 100% ट्रैफिक नॉन कन्फर्मिंग से कन्फर्मिंग हो जाए, कुछ होगा, जो नहीं होगा उसको एंड में ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू कन्फर्म दिस नॉन कन्फर्मिंग ट्रैफिक वी विल अप्लाई द टेक्निक ऑफ शेपिंग। कैसे, लेट अस ऐड सम डिले इन ऑल द पैकेट्स, लेट अस ऐड डिले ऑफ 10 मिलीसेकेंड्स। हम क्या करते हैं, हर पैकेट को ना 10 मिलीसेकेंड के लिए लेट करवा देते हैं या उसमें डिले ऐड कर देते हैं, 10 मिलीसेकेंड लेट पहुंचे हर पैकेट। सो डिले इन वन पैकेट, एक पैकेट में कितना डिले डाला हमने, 10 मिलीसेकेंड्स, और हमारे पास टोटल पैकेट्स कितने गिवन है, जो ट्रैफिक हमें गिवन है दैट इज 200। सो डिले इन 200 पैकेट्स कितना हो गया, 200 × 10 = 2000 मिलीसेकेंड्स, जिसको हम 2 सेकेंड भी कहते हैं, यानी हमने पूरे ट्रैफिक में 2 सेकेंड्स का डिले डाल दिया। आई होप इतना क्लियर है। देन नेक्स्ट पेज, इन अदर वर्ड्स 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड्स 200 पैकेट्स आर डिलेड। हमने क्या किया, 2 सेकेंड्स
डिले किस में डाला, 200 पैकेट्स में। देयरफॉर 1 सेकेंड में 100 पैकेट्स आर डिलेड, टू सेकेंड में 200 पैकेट्स हैं, तो 1 सेकेंड में 100 पैकेट्स हो गए। देयरफॉर नया थ्रूपुट कितना बन गया, अब 1 सेकेंड में 100 पैकेट्स, तो नया थ्रूपुट कितना बन गया, 100 PPS। और देखो ये SLA की बाउंड्री के अंदर आ गया, क्योंकि SLA क्या कहता था कि मैक्सिमम थ्रूपुट होनी चाहिए 150, अब 100 150 से कम है। सो देखो हमारा जो नॉन कन्फर्मिंग ट्रैफिक है वो कन्फर्मिंग हो गया, ठीक है। देयरफॉर द नॉन कन्फर्मिंग ट्रैफिक हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू कन्फर्मिंग ट्रैफिक, एंड दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड शेपिंग, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। और उसके बाद आपने बुक में से लाइंस लिखनी है कि जो ट्रैफिक अभी भी नॉन कन्फर्मिंग ही रहता है आफ्टर शेपिंग ऑल्सो, उसको फिर हम ड्रॉप कर देते हैं। तो ड्रॉपिंग वाली एक दो लाइनें जो हैं वो बुक में से आप लिख लो। सो विद दिस टॉपिक इज ओवर। और इस टॉपिक में 4 पॉइंट्स थे, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। 1 क्लासिफिकेशन, 2 मीटरिंग, 3 कन्फर्मिंग एंड नॉन कन्फर्मिंग ट्रैफिक, एंड 4 इज शेपिंग। इसके बाद बेटा बुक में फिगर 6 है, उसके मैंने पिक्स ऊपर भेजी हुई हैं आपको, वो फिगर 6 आपने बना देनी है, ठीक है। और मैंने कुछ चेंजेस की हुई हैं फिगर में, वो आपने वैसे ही बनानी है। और मैंने स्टेप नंबर्स भी मेंशन किए हैं, लाइक पहला स्टेप है क्लासिफायर यानी क्लासिफिकेशन का, सेकंड इज मीटरिंग का। और क्लासिफिकेशन से क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन से पता लग जाता है कि जो ट्रैफिक है वो कौन सी क्लास में लाए कर रहा है, क्लास 0 से क्लास 7 तक कौन सी क्लास में लाए कर रहा है। उसके बाद ट्रैफिक जाता है मीटर के पास, मीटर बताता है कि ट्रैफिक कन्फर्मिंग है कि नॉन कन्फर्मिंग है। कन्फर्मिंग पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, नॉन कन्फर्मिंग फिर मार्कर के पास जाता है। मार्कर, ये जो स्टेप है ये थियोरी में नहीं था। मार्कर में क्या है, मार्कर में जस्ट ये डिसाइड किया जाता है कि जो नॉन कन्फर्मिंग ट्रैफिक है उस पर जो शेपिंग लगानी है वो अभी लगानी है कि आगे जाके लगानी है। जिस पर तो अभी शेपिंग लगानी है वो ट्रैफिक देखो शेपर क्यू के पास जा रहा है, जिसको हमने आगे जाके उस पर शेपिंग वाला प्रोसेस लगाना है वो वहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्ड फॉर पॉसिबल अपस्ट्रीम एक्शन, कि बाद में इस पर एक्शन लेंगे। और देन शेपर क्यू से भी 2 तरह के पैकेट्स निकलते हैं, एक तो डिले हो गया और SLA को फिट हो गया जो हमने अभी एग्जांपल किया जैसे, और एक अभी भी SLA को फिट नहीं हुआ, वो नॉन कन्फर्मिंग का नॉन कन्फर्मिंग ही रहा, वो फिर ड्रॉपर क्यू के पास जाता है। और देखो वो पैकेट्स, वो सारे पैकेट ड्रॉप हो गए, वो आगे नेटवर्क पे नहीं जाएंगे, ठीक है। सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू।